हेलो डियर ऑल, आज हम आपको बताते हैं कि जेड सिम्प सॉफ्टवेयर से इम्पीडेंस से पीक फिटिंग कैसे करी जाती है। तो ये पीक फिटिंग के लिए हमारे पास इम्पीडेंस डेटा होना चाहिए। तो ये डेटा है हमारे पास, ओरिजिन फाइल है। अब ये खुल रहा, खोलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन फाइल है हमारे पास। तो इसमें से हमें यहाँ से तीन चीज़ें कॉपी करनी है, एक फ्रीक्वेंसी, रियल इम्पीडेंस एंड इमेजिनरी इम्पीडेंस। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और हमने फिर एक न्यू एक्सेल फाइल खोली है। अब ब्लैंक एक्सेल फाइल खोलेंगे। अभी जो हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये तीन चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी है, एफ लिख दिया हमने। ये रियल इम्पीडेंस है, ये इमेजिनरी इम्पीडेंस है। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव एज करके, और इसको हम टेक्स्ट में सेव करेंगे। ये बिल्कुल सब ऐसे करना है। इसके बाद फाइल सेव एज, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम इसको demo.ais के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जाना है और ये बहुत ध्यान से देखना है, हमें टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड पे क्लिक करना है। और इस फॉर्मेट में इसको सेव करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है। अब ये जो फाइल हमने सेव करी है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गई है। इस फाइल को हमें जेड सिम्प डेमो में, जेड सिम सॉफ्टवेयर में जब हम इस फाइल को इंसर्ट करेंगे तो ये फाइल डेट फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको पहले DAT फॉर्मेट में कन्वर्ट, ये डायरेक्ट हम इसको रीनेम करके सॉरी, ऐसे नहीं होगा। इसको हम एक बार खोलते हैं, सेव एज करके कर लेंगे। फाइल नेम में इसमें हम यहाँ पर .dat, तो अब ये जेड सिम सॉफ्टवेयर के लिए इनपुट फाइल बन गई है। ये फाइल को रीड कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर खोल लिया हमने। ये सॉफ्टवेयर है इम्पीडेंस फिटिंग के लिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधा फाइल को अपलोड करते हैं। इसमें हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है जो,
टेक्स्ट में नहीं है, डीएटी में है। ये फाइल है वो डेमो ईआईएस, ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गई है। ये फाइल यहाँ पर हमारी इंसर्ट हो गई है। इसके बाद अब हमें इसको फिटिंग करना है। इसको फिटिंग करने के लिए यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स हम यूज चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सर्किट अवेलेबल हैं और हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग सर्किट चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली मैं एक बार इस सर्किट से चेक करके देखता हूँ, रन करके देखते हैं कि कितना मैच करता है ये। तो ये देखेंगे कि ये हमारी ओरिजिनल है, ये फिटिंग है, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद इसी तरह से हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स के साथ में इसकी हम फिटिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी फिटिंग हो चुकी है और इसमें हम दूसरा सर्किट भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, इसे नीचे वाला। हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक इसकी फिटिंग हो गई है। इसी तरह से हम और भी डिफरेंट सर्किट्स हम इसमें ट्राई कर सकते हैं और हम कोई एडिट भी कर सकते हैं सर्किट। हम मान लीजिए हम इस सर्किट से फिट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम सर्किट अपने हिसाब से चेंज करके तो भी हम इसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये फिटिंग नहीं है और बाद में जो हमने यहाँ पर सर्किट का फॉर्मूला लिया है वो उसी से हम वो हम पेपर में लगा देंगे बाद में। तो ये बेस्ट फिटिंग थी हमारी। ये हमने मान लिया कि बेस्ट फिटिंग है, ये नाइक्विस्ट की है और ये बॉडी प्लॉट में अगर हम देखते हैं तो इस तरह की फिटिंग है और कैपेसिटेंस के फॉर्म में देखते हैं या एडमिटेंस के फॉर्म में देखते हैं कि ये की फिटिंग हमारी काफ़ी अच्छी फिटिंग है। इसके बाद बात आती है कि हम डेटा आउटपुट कैसे लेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं टूल्स पे, एक्सपोर्ट डेटा में करेंगे तो हम इम्पीडेंस पे क्लिक करेंगे तो इसका हमारा नाइक्विस्ट का और इम्पीडेंस का डेटा हमारे पास आ जाएगा। ये भी हम डेटा ले लेते हैं इम्पीडेंस। और हम इसको टेक्स्ट की फॉर्म में सेव कर लेते हैं इस डेटा को। ये डेटा सेव हो गया है और अगर हमें बॉडी प्लॉट का डेटा भी यहाँ से ले सकते हैं, कैपेसिटेंस का भी, एडमिटेंस का भी, सारे डेटा हम यहाँ से बॉडी ऑब्सोल्यूट का अगर हमें डेटा लेना है तो सेम यहाँ से हम सारे डेटा ले लेंगे। बाद में हम उनको इनकी पीक फिटिंग को प्लॉट कर लेंगे। यहाँ से ये सर्किट है, इस सर्किट को हम बाद में अलग से बना सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये फिटिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद जो हमने इम्पीडेंस का डेटा लिया है ये इम्पीडेंस का डेटा है। अब इसमें हमारे ये इम्पीडेंस और ये इमेजिनरी इम्पीडेंस, रियल और कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों को हम ओरिजिन में जाकर के प्लॉट कर लेंगे और ये रियल पीक फिटिंग जैसा डेटा आपको वहाँ पर दिखाई देगा। थैंक यू।